आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको महाभारत के वो गुप्त रहस्य बताएंगे जो आज तक सुलझे नहीं है, यहाँ तक के इनके प्रमाण होने के बावजूद भी आज का विज्ञान उन्हें मानता नहीं है या जानबूझकर नकारता है। जानकारी अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, बिना स्किप करें, ताकि आप तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पूर्ण रूप से पहुंच पाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये अति महत्वपूर्ण जानकारी भरे वीडियो को। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में 18 संख्या का बहुत महत्व है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय हैं। कृष्ण ने कुल 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया। 18 दिन तक ही युद्ध चला। गीता में भी 18 अध्याय हैं। कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिनमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। सवाल यह उठता है कि सब कुछ 18 की संख्या में ही क्यों होता गया? क्या यह संयोग है या इसमें भी कोई रहस्य छिपा है? विज्ञान यह नहीं मानता कि कोई व्यक्ति हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है। ज्यादा से ज्यादा 150 वर्ष तक जीवित रहा जा सकता है, वह भी इस शर्त पे कि आबोहवा और खान पान अच्छा हो। तो तब ऐसे में कैसे माना जा सकता है कि अश्वत्थामा जीवित होंगे? महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, जिसके चलते लाखों लोग मारे गए थे। अश्वत्थामा के इस कृत्य से कृष्ण क्रोधित हो गए थे और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि तू इतने वधों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकेगा। तेरे शरीर में सदैव रक्त की दुर्गंध निस्तृत होती रहेगी, तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। व्यास ने श्री कृष्ण के वचनों का अनुमोदन किया। कहते हैं कि अश्वत्थामा इस श्राप के बाद रेगिस्तानी इलाके में चला गया था और वहां रहने लगा था। कुछ लोग मानते हैं कि वह अरब चला गया था। उत्तर प्रदेश में प्रचलित मान्यता अनुसार अरब में उसने कृष्ण और पांडवों के धर्म को नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली थी। मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसे कंकाल मिले थे जिसमें रेडिएशन का असर था। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। हिंदू इतिहास के जानकारों के मुताबिक 3 नवंबर 5561 ईसा पूर्व छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। महाभारत में इसका वर्णन मिलता है। कहा गया है कि ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने के बाद भयंकर वायु जोरदार तमाचे मारने लगी। सहस्त्र विधि उल्का आकाश से गिरने लगे। भूत मात्रा को भयंकर महाभय उत्पन्न हो गया। आकाश में बड़ा शब्द हुआ। आकाश जलने लगा। पर्वत अरण्यु वृक्षों के साथ पृथ्वी हिल गई। अब सवाल यह उठता है, क्या सचमुच ही हमारी आज की टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा उन्नत थी महाभारत कालीन टेक्नोलॉजी?
कौरवों को कौन नहीं जानता। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी जिन्हें कौरव कहा जाता था। कुरु वंश के होने के कारण यह कौरव कहलाए। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युयुत्सु नामक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह कौरव 100 हो गए। युयुत्सु ऐन वक्त पर कौरवों की सेना को छोड़कर पांडवों की सेना में शामिल हो गया था। गांधारी ने वेद व्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया। गर्भ धारण कर लेने के पश्चात भी 2 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु गांधारी के कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। इस पर क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्के का प्रहार किया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। वेदव्यास ने इस घटना को तत्काल ही जान लिया। वे गांधारी के पास आकर बोले, गांधारी तूने बहुत गलत किया। मेरा दिया हुआ वर कभी मिथ्या नहीं जाता। अब तुम शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवाओ और उनमें घी भरवा दो। वेदव्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांसपिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे उस पिंड के अंगूठे के पौरेयु के बराबर 100 टुकड़े हो गए। वेदव्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए हुए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश देकर अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई, फिर उन कुंडों से धृतराष्ट्र के शेष 99 पुत्र एवं तुशला नामक एक कन्या का जन्म हुआ। बर्बरिक महान पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या अहिलवती के पुत्र थे। कहीं कहीं पर मूर्दैत्य की पुत्री कामकंटका के उदर से भी इनके जन्म होने की बात कही गई है। महाभारत का युद्ध जब तय हो गया तो बर्बरिक ने भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा व्यक्त की और माँ को हारे हुए पक्ष के साथ देने का वचन दिया। बर्बरिक अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। बर्बरिक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरव और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। यह जानकर भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में उनके सामने उपस्थित होकर उनसे दान में छल पूर्वक उनका शीश मांग लिया। बर्बरिक ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। तब कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। फाल्गुन मास की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया। भगवान ने उस शीश को अमृत से सींचकर सबसे ऊंची जगह पर रख दिया ताकि वे महाभारत युद्ध देख सकें। उनका सिर युद्धभूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर रख दिया गया, जहां से बर्बरिक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। महाभारत के दौर में राशियां नहीं हुआ करती थी। ज्योतिष 27 नक्षत्रों पर आधारित था, ना कि 12 राशियों पर। नक्षत्रों में पहले स्थान पर रोहिणी था, ना कि अश्विनी। जैसे जैसे समय गुजरा, विभिन्न सभ्यताओं ने ज्योतिष में प्रयोग किए और चंद्रमा और सूर्य के आधार पर राशियां बनाई और लोगों का भविष्य बताना शुरू किया। जबकि वेद और महाभारत में इस तरह की विद्या का कोई उल्लेख नहीं मिलता, जिससे कि यह पता चले कि ग्रह नक्षत्र व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं।
महाभारत के युद्ध में विदेशी भी शामिल हुए थे। एक ओर जहां यवन देश की सेना ने युद्ध में भाग लिया था, वहीं दूसरी ओर ग्रीक, रोमन, अमेरिका, मैसोडेनियन आदि योद्धाओं के लड़ाई में शामिल होने का प्रसंग आता है। इस आधार पर यह माना जाता है कि महाभारत विश्व का प्रथम विश्व युद्ध था। ज्यादातर लोग यह जानते हैं कि महाभारत को वेदव्यास ने लिखा है, लेकिन यह अधूरा सच है। वेदव्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि थी जो वेदों का ज्ञान रखने वाले लोगों को दी जाती थी। कृष्ण द्वापर से पहले 27 वेदव्यास हो चुके थे, जबकि वे खुद 28वें वेदव्यास थे। उनका नाम कृष्ण द्वापर इसलिए रखा गया क्योंकि उनका रंग सांवला था और वे एक द्वीप पर जन्मे थे। लोग ये कहते हैं कि अभिमन्यु की हत्या चक्रव्यूह में 7 महारथियों द्वारा की गई थी। इन 7 महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु की हत्या की थी, लेकिन यह सच नहीं है। महाभारत के मुताबिक अभिमन्यु ने बहादुरी से लड़ते हुए चक्रव्यूह में मौजूद 7 में से एक महारथी, जो कि दुर्योधन के बेटे थे, को मार गिराया था। इससे नाराज होकर दुशासन के बेटे अस्मक ने अभिमन्यु की हत्या कर दी थी। वेदव्यास की महाभारत को बेशक मौलिक माना जाता है, लेकिन वह 3 चरणों में लिखी गई। पहले चरण में 8800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक लिखे गए हैं। आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जल्द मिलते हैं एक नए एवं रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।